साथ खेलने वाली है, तो कोई एक टीम को आप चीयर करना चाहेंगे? हॉकी इंडिया लीग शुरू हुआ है, हिंदुस्तान की टीमें नहीं है, पूरे देश के प्लेयर्स आए हुए हैं खेलने के लिए हिंदुस्तान में. माय फेवरेट टीम इज इट्स अ टाई बिटवीन दिल्ली वेव राइडर्स एंड पंजाब वॉरियर्स. अच्छा, सो कैन यू जस्ट से कि चकदे इंडिया के बाद से आपका हॉकी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया? डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्पोर्ट, नेशनल स्पोर्ट है हमारा. लगाव है क्योंकि मैंने 1.5 साल के लिए वो स्पोर्ट खेला है. So definitely lagav hai, anything that can be done by me for hockey will be done, and right now it's on Star Sports, so please watch Star Sports. I just told you the film is happening. And this hockey league is taking a lot of my time, in fact all the days of my life right now till the end of February. Thank you. Bye. So Ajay ji, kya kehna chahenge is apne personal project ke bare mein? दूसरा नहीं तीसरा है यार, तू एक को बोल रहा है. इसके पहले काफी जो है भड़ास कर चुकी है हॉट लेडी जो भड़ास कर, तो ओवर टाइम भी कर चुका हूँ. पहले ओवर टाइम किया और जब काफी ओवर टाइम हो गया तो भड़ास निकाली ना यार. इसीलिए काफी एक हल्का फुल्का और काफी अच्छा सब्जेक्ट आपने टॉपिक चुना इस बार, है ना, लव का. या कह सकते हो कि पिछले टाइम में काफी टेंशनों में के दौर से गुजरा, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने का मूड है, तो मैंने सोचा पब्लिक ने भी टेंशन झेली है मेरी वजह से, तो उनको भी थोड़ा सा एक रिलैक्स दे दिया जाए. क्या कुछ कहानी है, कुछ बताएं? ये कहानी है लव फिर कभी की. आज के टाइम में आदमी इतना तनाव में रहता है दिन भर, जब देखो तो पैसे वैसे के पीछे भागता रहता है, बिजनेस में इस पे उसके पास प्यार करने का टाइम ही नहीं होता, तो पूरी ज़िंदगी उसकी गुजर जाती है पैसे के लिए. और जब पैसा ले जा पा मिल जाता है तो फिर जाके वो ढूंढता है प्यार, क्योंकि पैसा तो ले लिया, प्यार चाहिए. तो ओवरऑल ये फिल्म की कहानी है कि जो शॉर्ट में मैं कहूँगा कि एक रियलिस्टिक लव स्टोरी है.